तो मेरी YouTube फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आपका भाई फिर हाजिर है एक नई ताज़ा तरीन बेहतरीन रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ीएस्ट ऑमलेट रेसिपी। आज थोड़ी मेरी तबीयत नासाज है, ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद भी हम काम करते रहेंगे। और काफ़ी दिनों से चैनल पर वीडियो नहीं आए हैं, तो इसलिए तो आज हम बना रहे हैं चीज़ीएस्ट ऑमलेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके भाई यानी सुमित बिड़ला के साथ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का अपना चीज़ीएस्ट ऑमलेट बनाना। तो उसके लिए हमें चाहिए 3 अंडे, और 3 अंडे फोड़ने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो देखिए गाइस, 3 अंडे हमने फोड़ लिए हैं। अब हम इसमें डालते हैं नमक। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, जैसा आपको अच्छा लगे। थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, पिंच ऑफ लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च भी जाएगी। फाइनली चॉप ऑनियन एंड ग्रीन चिली, बिल्कुल फाइनली चॉप होने चाहिए, तभी ये अच्छा बनेगा गाइस। तो चलिए डाल देते हैं। और लास्ट में हम थोड़ा सा डालेंगे फाइनली चॉप कोरिएंडर, यानी कि धनिया, जो एक फ्रेशनेस लाएगा नाश्ते में और एक मुख्तलिफ टेस्ट इसका बना देगा इस ऑमलेट का। तो देखिए गाइस, अच्छे से हमने अपने पूरे मसाले को अंडों में फेंट लिया है, और अब मिलते हैं अपने तवे पर। तो चलिए गाइस गैस को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक तवा ले लिया है, आप चाहे तो पैन में बना सकते हैं। तो अब हम लेंगे अपना लगभग 1 टेबल स्पून मैंने घी ले लिया है, देसी घी है ये गाइस। आप चाहे तो मक्खन से या ऑलिव ऑयल या कुकिंग ऑयल, जो भी आपको सूटेबल लगे उससे भी बना सकते हैं। तो देखिए गाइस, अब हमारा घी पिघल चुका है, तो अब हम तवे पर डाल देते हैं अपने एग मिक्सचर को और अच्छे से इसे फैला लेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो देखिए गाइस, अच्छे से हमने तवे पर फैला लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, 2 से 3 मिनट इसे पकने देंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो लगभग गाइस 2 से 3 मिनट हो चुकी है एग को हमारे फ्राई होते हुए, अब इसे पलट लेते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया है ऑमलेट का, कितना प्यारा सुनहरा गोल्डन, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, कितना फ्लफी और कितना मस्त। देखिए कितना बहुत ही अच्छे से फूल चुका है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जो हमने लास्ट में हरा धनिया डाला, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो देखिए इस स्टेज पर आकर 1 मिनट हम इसे पकाएंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो देखिए गाइस, जो हमारा लास्ट स्टेप रह गया है वो रह गया इसमें चीज़ डालने का, और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप आराम से, ये मेरे पास मोज़रेला एंड चेडार चीज़ है, ब्लेंड चीज़, आप आराम से डाल दें इस पर, और ठीक ठाक मात्रा में डालें, क्योंकि ये चीज़ीएस्ट ऑमलेट हमारा बनने जा रहा है। परफेक्टली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जैसा आपको ठीक लगे डालें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लगभग इसमें 50 से 80 ग्राम के आसपास चीज़ डाला है, और लास्ट में हम डाल देते हैं अपनी इटालियन सीजनिंग। जी हाँ, बहुत ही मुख्तलिफ फ्लेवर इस पूरे ऑमलेट का बना देगी ये सीजनिंग, तो यानी कि इटालियन सीजनिंग आप समझ ही गए होंगे, ओरिगानो। लास्ट में ओरिगानो डालकर इसे फोल्ड कर देते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए गैस फ्लेम बिल्कुल लो है और मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। अब आपको कोई भी घर पे, अगर आपके पास ओवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर ढक कर, जैसे कि कोई पतीला, मतलब कुछ भी पतीला या कुछ भी जो भी आपको सही लगे, परात जो भी घर में अवेलेबल हो, तो वो ढककर 2 मिनट पका दें आप, जब तक चीज़ मेल्ट ना हो, और फिर इसका लुत्फ उठाएं। 2 मिनट बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस 2 मिनट एक साइड से पकाने के बाद अब मैंने फ्लिप कर दिया है ऑमलेट को, और 2 मिनट इस साइड। देखिए गाइस 2 मिनट हो चुके हैं, अब उठाते हैं पैन को और देखते हैं दस्तूर हालात। माशाल्लाह, आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, हल्का सा। देखिए चीज़ मेल्ट हो चुका है, और हम हल्का सा हम उठाने की कोशिश करते हैं एक साइड से ऑमलेट को। ओ गॉड, देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है अंदर से, कितना ज्यादा मेल्टिंग और अटेम्प्ट, क्या गजब लग रहा है। इसके सामने माफ कीजिएगा, बड़े बड़े जो है गार्लिक ब्रेड वगैरह भी फैल हो जाएंगे, इतनी प्यारी रेसिपी है। हल्का सा चीज हम ज्यादा रखेंगे, क्योंकि जब भी हम कहते हैं चीज़ीएस्ट कहते हैं, या गार्लिक नान हम कहते हैं, या कोई भी इंग्रेडिएंट हम किसी रेसिपी के साथ लगाते हैं, जैसे बटर चिकन के साथ बटर लगाया है,
तो उसमें हल्का सा बटर या हल्का सा चीज या हल्का सा पुदीना पराठा, जैसे पुदीना हल्का सा ज्यादा, बहुत ही मामूली सा ज्यादा होना चाहिए फ्लेवर उस चीज का। जैसे कि इसमें चीज हमने हल्की सी ज्यादा दी है, अगर आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं। तो चलिए अब इसकी जल्दी से बहुत ही क्विक एक टेस्टिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलिए गाइस अब कर लेते हैं टेस्टिंग इसकी। ये देखिए थोड़ा सा आज क्विक टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी नाराज़ है, तो आप मेरी आवाज़ की जो एक खराबी है उसे भी नज़रअंदाज कीजिएगा। तो मैंने हल्का सा केचप लिया है और देखते हैं इस चीज़ से ऑमलेट को ट्राई करते हैं। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी अगर मैं आपको सही से दिखा पा रहा हूँ, ये देखिए किस तरह से चीज, ओह गॉड, ये किसी पिज्जा से कम नहीं है ये ऑमलेट जो है, देखिए। और अब मैं इसे ट्राई करने जा रहा हूँ, देखते हैं। बहुत ही हल्का सा केचप लगाया, क्या रेसिपी दी है आपके भाई ने, क्या चीज ऑमलेट बनाया, मुख्तलिफ मुकम्मल अपने आप में कंप्लीट एक बन गया है ये चीज। देखिए कितना प्यारा लग रहा है आप मेरी खुशी जो मेरे चेहरे पे ही खुशी आ गई है इस ऑमलेट को खाकर, उससे ही आप इसकी उम्दा जो ये बना है उसका आप इमेजिन कर सकते हैं कितना प्यारा बना है। तो देखिए गाइस, और अब थोड़ा समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, बहुत ही प्यारी। थोड़ा सा और खा लेते हैं, रुका नहीं जा रहा है। देखिए चीज़ कितनी भरपूर मात्रा में इसमें डाला है, ये गॉड, अगर आपके पास ब्लेंड चीज़ ना हो तो आप चेडार भी डाल सकते हैं या खाली आप मोज़रेला भी डाल सकते हैं, लेकिन चीज इसमें मस्ट है, और चीज भरपूर मात्रा में डाली है क्योंकि ये चीजीएस्ट ऑमलेट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।